हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल यूजी मोलटेक में। आज हम जानेंगे टू प्लेट और थ्री प्लेट के बारे में, क्या होते हैं टू प्लेट और थ्री प्लेट और इनके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें टू गेट लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं टू प्लेट मोल्ड। पहले हम 3D में देख लेते हैं कैसे रहता है ये टू प्लेट मोल्ड। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, टू प्लेट का 3D एक मोल्ड है। इसमें मैंने एक डेलाइट क्रिएट करके रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो गैप रहता है कोरो कैविटी के बीच में उसे हम डेलाइट कहते हैं और ये टू प्लेट है और सिंगल डेलाइट मोल्ड है। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों ये मूव होता है। एक्चुअली ये फिक्स में रहता है, ये मूविंग हाफ रहता है। ठीक है दोस्तों, जब ये इजेक्शन के टाइम ये क्लोज हो जाता है मोल्ड, यहाँ से हमारा मशीन नोजल के थ्रू स्क्रू में जाके मटेरियल इंजेक्ट हो जाता है। उसके बाद इसका कूलिंग होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा मोल्ड फिर ओपन हो जाता है, यहाँ से इजेक्टर पिन के थ्रू पार्ट इजेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो ओपनिंग रहती है वो सिंगल ही रहती है, इसलिए इसको सिंगल डेलाइट मोल्ड कहते हैं। ठीक है, ये है टू प्लेट मोल्ड के बारे में और हम अब देख लेते हैं उसके डिटेल्स। ये देख सकते हैं दोस्तों, टू प्लेट के डिटेल्स रहते हैं। जो टू प्लेट मोल्ड रहते हैं वो सिंगल कैविटी ज्यादातर रहते हैं और इसमें सिंगल कोर एंड कैविटी हाफ रहता है, उसके बाद इजेक्ट कर देता है। ठीक है, देख सकते हैं सिंगल कैविटी रहता है। ठीक है, सिंगल डिलाइट रहता है, अभी हमने देखा था 3D में भी। साइकिल टाइम इज मोर एज कम्पेयर टू द थ्री प्लेट मोल्ड, क्योंकि इसका स्क्रू रनर सबके एक साथ आता है, इसलिए इसका साइकिल टाइम ज्यादा रहता है थ्री प्लेट मोल्ड से। The product getting runner have same parting line. जो parting line रहती है वो same line पे रहती है। ठीक है, single opening is there in this type of the mold. पहले ही हमने देखा था ये single daylight रहता है, इसमें जो opening रहती है single रहती है। It's required manual screw removal after the part is ejected. दोस्तों जब parts eject हो जाता है उसके बाद हमें manually gate रिमूव करना पड़ता है, इसमें ऑटो डिकेटिंग नहीं है। अब हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। ये है लोकेटिंग डी, ये टॉप, ये कैविटी प्लेट, गाइड पिलर, कोर प्लेट, स्पेसर, इजेक्टर पिंस इजेक्ट करने के लिए, इजेक्टर प्लेट, इजेक्टर बैक प्लेट और ये इसके रहते हैं। ये सब जानकारी है टू प्लेट मोल्ड के बारे में। आपको अभी क्लियर हो गया होगा व्हाट इज टू प्लेट मोल्ड। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं थ्री प्लेट मोल्ड के बारे में। पहले हम 3D में देख लेते हैं दोस्तों। ये है थ्री प्लेट मोल्ड, इसमें ये रनर प्लेट रहता है। पहले ये वाला ओपन होता है, उसके बाद ये ओपन होता है। इसमें आप देख सकते हैं दो डेलाइट है, इसलिए इसको मल्टी डेलाइट कहते हैं। जो टू प्लेट मोल्ड था उसमें सिंगल डेलाइट रहता है, बाकी ज्यादातर फीचर सब सेम रहते हैं। इसमें टॉप प्लेट, बॉटम प्लेट, ठीक है, स्पेसर, इजेक्टर प्लेट, इजेक्टर बैक प्लेट, बाकी सब सेम रहते हैं, कोर कैविटी। ठीक है दोस्तों, इसमें एक रहता है आपका रनर प्लेट। अब आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज थ्री प्लेट मोल्ड। अब इसके बाद फीचर्स देख लेते हैं। थ्री प्लेट मोल्ड है टू और मोर पार्टिंग लाइन। जैसे हमने ये देखा, फर्स्ट पार्टिंग लाइन ये है रनर का हमारा, दूसरा प्रोडक्ट का। ठीक है दोस्तों, इट इज मोस्टली मल्टी कैविटी, ये इसमें ज्यादातर मल्टी कैविटी मोल्ड ही रहता है। इन दिस प्रोडक्ट गेटिंग रनर हैव अ डिफरेंट पार्टिंग लाइन, जो पार्टिंग लाइन रहती है वो डिफरेंट रहती है। ठीक है, द कॉस्ट इज मोर देन, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है मोल्ड, इसलिए इसके डिजाइन और मशीनिंग कॉस्ट ज्यादा आती है, इसलिए ये कॉस्टली रहता है। द साइकिल टाइम इज लेस रहता है, क्योंकि इसमें ऑटो डिकेटिंग हो जाती है, स्क्रू आता है, इस कारण ज्यादा साइकिल टाइम रहता है, इसमें हमारा कम रहता है कम्पेयर टू टू प्लेट मोल्ड। ठीक है, ऑटो स्क्रू रिमूवल आफ्टर द पार्ट इज इजेक्टेड, इसमें अपने आप हमारा जो गेट रहता है ऑटो डिकेट हो जाता है, हमें मैनुअली नहीं करना पड़ता। ये देख सकते हैं, ये इसका स्क्रू रनर ये अलग हो जाता है और ये पार्ट्स अलग हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज थ्री प्लेट मोल्ड। अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ये दोस्तों थ्री प्लेट मोल्ड के एडवांटेजेस। फ्लेक्सिबिलिटी इन गेटिंग लोकेशन, हम थोड़ा गेटिंग लोकेशन हमारे हिसाब से दे सकते हैं।
लो कॉस्ट अल्टरनेटिव टू द हॉट रनर, हॉट रनर के मुकाबले ये थोड़ा लो कॉस्ट रहता है। एलिमिनेट रिमूवल ऑपरेशन इसमें गेटिंग ऑटो डिगेटिंग, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, हायर इजेक्शन टाइम ड्यू टू द इजेक्शन ऑफ टर्नर सिस्टम, क्योंकि इसका सिस्टम बड़ा रहता है इसलिए इजेक्शन टाइम इसका ज़्यादा रहता है, हमारा मटेरियल भी ज़्यादा लगता है। मोर कॉम्प्लेक्स टूल डिज़ाइन, जो टूल डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों इसकी कॉम्प्लेक्स रहती है और इसकी कॉस्टिंग इसकी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड रहता है एंड हाई मटेरियल वेस्ट, क्योंकि स्क्रू रनर रहता है वेस्ट होता है हमारा इसमें ज़्यादा। और अब देख लेते हैं टू प्लेट मोल्ड के बारे में, इसके एडवांटेजेस, सिंपल एंड लो कॉस्ट डिज़ाइन रहती है, लीड टाइम बहुत कम रहता है इसका और साइकिल टाइम भी इसका कम रहता है कंपेयर टू थ्री प्लेट मोल्ड। और इसके डिसएडवांटेजेस हैं, पार्टिंग लाइन मस्ट बी अलाइन विद द गेट इन मल्टी कैविटी प्लेट इन इंजेक्शन मोल्डिंग। ठीक है, इसमें द मल्टी कैविटी इंजेक्शन मोल्ड प्लास्टिक फोक बैलेंसिंग में भी हमें प्रॉब्लम आती है, इसके चैलेंजेस हैं। एक और है, इसमें अंडरकट हम लोग यूज नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, ये है एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ टू प्लेट एंड थ्री प्लेट मोल्ड। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।